आउटलेट और मून फ्लावर। मुझे गार्डनिंग क्लास पसंद है। ये देखो मेरा सनफ्लावर। मेरा फ्लावर कितना बड़ा है, सबसे बड़ा। और तुम तो मुरझा गए। ए, तुम्हारा फ्लावर कैसा आया माया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन तुम इसे ढेर सारा पानी देना। जाती हूँ। तुम इसे दूसरी टेबल पर क्यों नहीं रख देती? वहाँ पर धूप ज्यादा है। पता है, मैं वही कर रही थी। सनफ्लावर के लिए हम तुम्हारी कोई मदद करें? पिछले साल हमने गार्डनिंग क्लब ज्वाइन किया था, वहाँ बहुत कुछ सीखा। शुक्रिया, पर मुझे मदद की जरूरत नहीं। तुम्हारा क्लब जरूर अच्छा होगा, पर मैं गार्डनिंग अच्छे से जानती हूँ। ये पौधे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे क्लब की जरूरत नहीं। शायद कुछ और गार्डनिंग इक्विपमेंट्स मिल जाए तो अच्छा होगा। हाँ? सब सामान कहाँ चला गया? लूना के पतंगे, यानी कि लूना गर्ल। लेकिन उसे गार्डनिंग का सामान क्यों चाहिए होगा? वो तो सिर्फ रात को ही बाहर निकलती है। और रात में पौधे नहीं उगते। देखा, मुझे गार्डनिंग के बारे में पता है। चाहे जिस ले भी ले गई हो, कोई गड़बड़ जरूर करेगी। पीछे मास्क हम आ रहे हैं। रातो रात दिन को बचाने। लो हो गई रात और एक बहादुर हीरोज की टोली आ रही है बुरे विलन्स को आपका दिन बिगाड़ने से रोकने के लिए। जिसकी है उल्लू की नजर, फिर भी दुनिया बेखबर, वो है आउलेट। जिसके टोले हर जगह मचाए शोले, वो है गेको। या जिसकी है तेज दौड़, रोके ना कोई मोड़, वो है कैट बॉय। हम हैं पीजे बॉस। लूना गर्ल वही होगी जहाँ गार्डनिंग का ढेर सारा सामान रखा हुआ होगा, पर कहाँ? गार्डनिंग के लिए हरी भरी जगह बिल्कुल सही है, यानी पार्क। चलो आओ ग्लाइडर में। ठीक है लूना गर्ल, तुम कहाँ पर छुपी हो? उल्लू की नजर। गार्डन में इसे कभी ना उगाऊं। और वो रही लूना गर्ल। लूना गर्ल, ये तुमने क्या किया? तुम्हें मेरा मून फ्लावर अच्छा नहीं लगा? वैसे मैंने तुम्हारे गार्डनिंग का सब सामान इस्तेमाल कर लिया है। सुना है मेरे मून फ्लावर को रात के वक्त ढेर सारे लूना बीन्स की जरूरत होती है। वाह, ये तो एक बहुत ही डरावना फ्लावर है। एक ऐसे और भी ज्यादा डरावने फ्लावर्स हैं। पहले इसे ठीक से खिलने दो, फिर उसमें से हजारों बीज निकलेंगे। हर बीज जमीन पर गिरेंगे और बन जाएंगे ढेर सारे फ्लावर्स। और ऐसे हर एक मून फ्लावर से निकलेंगे कई और बीज, जिनसे बनेंगे कई और फ्लावर्स। और ये प्लान किसका है? जल्द ही यहाँ इतने सारे मून फ्लावर्स हो जाएंगे कि किसी और फ्लावर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हमें उस पौधे को रोकना होगा इससे पहले कि वो सारी जमीन पर कब्जा कर ले। ऐसे बेकार पौधों को निकालने के लिए गार्डनिंग क्लब में कौन सा तरीका बताया था? इसका जवाब है खुदाई, आसान है। नहीं रुको, बड़े पौधों की बड़ी बड़ी जड़ें होंगी और उन सभी को बाहर निकालना होगा, और अगर उसमें से एक भी जड़ रह गई तो उससे नया मून फ्लावर उग जाएगा। तो सब मिलकर खुदाई करते हैं। ये है आउलेट का गार्डनिंग का तरीका। एक पीछे मास्क तो अटक गया, अब दो बाकी। बिल्ली की धांसू दौड़। गेको के धांसू टोले। मेरे पास एक आइडिया है। ये अंधेरे में चमकता है ना? इसका मतलब इसे रोशनी पसंद नहीं है। अगर हम इस पर आउल ग्लाइडर हाई बीम्स डालें, तो शायद ये छोटा हो जाएगा। रुको, मेरे खुदाई वाले आइडिया का क्या? मुझे भी गार्डनिंग के बारे में सब पता है, याद है ना?
आउलेट खुदाई से काम नहीं हुआ ना? शावल से नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हम इस पर आउल ग्लाइडर पंजे इस्तेमाल करें तो मैं उसके आसपास उड़ूंगी और खुदाई करूंगी, और इस बार मैं उसकी खतरनाक डालियों से दूर ही रहूंगी। वक्त है खुदाई करने का। ठीक है पीजे पल्टन को पलट दो। मेरे दोस्तों को छोड़ दो लूना गर्ल। जाओ मेरा लूना मैजिक वापस ले आओ। निकल ही रहा है। इतनी जल्दी नहीं चिपको चिपकली। गेको संभलना। फायदा नहीं हुआ। हाँ शायद। सुनो अगर हम उसे पानी दे तो क्या होगा? पानी दे? लेकिन उससे तो पौधे उगते हैं। पर ये कोई पौधा नहीं है, याद है? ये एक अजीब सा फ्लावर है, शायद उसे पानी दे तो ये छुट्टा हो जाए। एक मिनट रुको, मुझे उस पाइप से आइडिया आया है। हम इस पाइप को पौधे के ऊपर लपेटते हैं और खींच कर गिरा देते हैं। आउलेट मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। मुझे कोशिश करने दो, मैं तुम्हारे क्लब में नहीं थी तो क्या हुआ, मुझे गार्डनिंग के बारे में सब पता है। आउलेट रुको। हे तुम रुक जाओ। हो गया, अब बस मुझे इसे खींच कर गिराना है। लूना कल को रोको कैट बॉय। नहीं आवलेट, किसी के पास कोई आइडिया है? अब मैं सुनूंगी, सच में सुनूंगी। सोचो सोचो, ये बीज हर तरफ फैले हैं। वो बीज हवा के साथ साथ उड़ते हैं। रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। वो हवा के साथ उड़ रहे हैं, तो अब हमें हवा को अपनी मर्जी के मुताबिक बहाना होगा। मुझे पता है क्या करना है, पर इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। प्लान क्या है? मेरे साथ चलो, अब वक्त है हीरो बनने का। तैयार हो गए को, अब वक्त है ऑपरेशन हवा हवाई को शुरू करने का।
क्योंकि दिन को बचाया हमने रातों रात। और बेस्ट सनफ्लावर का प्राइज मिलता है अमाया को। वाह, मैं कॉनर और ग्रेग को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। पौधों को पानी और रोशनी कितनी देनी चाहिए ये मुझे इन दोनों ने बताया। सच में इस ट्रॉफी पर तुम्हारा भी हक है।